कबाड़ी वाले, कॉपी किताब की रद्दी वाले। मैं बहुत पिटा हूँ भैया, मैं आपको बता नहीं सकता मैं इतना पिटा हूँ। लीग मैच था, उसमें मैंने 57 बॉल पे 207 रन बनाए थे। हाँ 21 एक मिनट, 207 रन जी, T20 में। T20। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं वीर भाटी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस शो में जिसका नाम है मोर देन देसी। और आज के जो हमारे मोर देन देसी गेस्ट है वो है क्रिकेट की दुनिया से। जी हाँ, क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा नाम जो दिल्ली के लिए रणजी खेलते हैं, और रणजी खेलते हुए उन्हें 5 से 6 साल हो चुके हैं और अपने नाम काफी सारे रिकॉर्ड्स कर चुके हैं। सो प्लीज वेलकम हमारे आज के मोर देन देसी गेस्ट मिस्टर सुबोध भाटी। सुबोध भाई, स्वागत है आपका हमारे शो पे। कैसे हो भैया? एकदम थैंक यू। बढ़िया, आप कैसे हैं? बड़े हो गया बताए। तो सुबोध भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जैसे आप देसी कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारा जो बैकग्राउंड है वो देसी है, तो देसी में जो हमारे जो बड़े बूढ़े वो कहते थे कि भैया पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो आपकी जो फील्ड है वो क्रिकेट की है, खेल है, स्पोर्ट है एक, तो मतलब घर वालों ने कुछ कहा नहीं आप जब क्रिकेट में आपने ट्राई किया, क्रिकेट खेलते थे? मैं बहुत पिटा हूँ भैया, मैं आपको बता नहीं सकता मैं इतना पिटा हूँ। जब हम खेलते थे गली मोहल्ले में, तो जाता था, बोल के आता था कि 1 घंटे में आ जाऊँगा, या घर वाले किसी भी काम के लिए भेजते थे तो काम नहीं होता था। पहले पहले सीधे हम खेलने निकलते थे, पहले मतलब पहले क्रिकेट चल रहा है काम खेल रहे हैं, का। घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आने वाला होगा, किसी काम के लिए भेजा है, बट हम नहीं आते थे। फिर आते थे तो हम पिटते थे। तो मैं बहुत पिटा हूँ, बट मैं पढ़ने में ठीक था। अब खेलने वाला आदमी साल में 1 दिन पढ़ेगा, तो उसके हिसाब से मैं ठीक था। फिर मैंने लॉ भी किया है, तो घर वालों ने इतना कुछ ज़्यादा बोला नहीं। लेकिन जब मैं खेलने लगा, जब 12th के बाद जब उन्होंने बोला कि बीटेक करना है, मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगी। तो फिर उन्होंने बोला कि चल ठीक है, अब खेल ही ले भाई, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, मतलब ये आप अपनी मर्जी कर लो जो करना है। बट उसके बाद फिर सब ठीक होता, खेलता गया, फिर कुछ सालों में जल्दी खेल गया, तो फिर ठीक था। फिर सब सपोर्ट करने लगे। तो सुबोध भाई, आपका जो क्रिकेट का जो सफर स्टार्ट हुआ वो एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट हुआ, जहां से जो आपको लगता है कि यहां से मैंने एक्चुअल क्रिकेट खेली? या भाई, एक्चुअल में तो ऐसे लगता है कि हम लोग एक मैच था गाज़ियाबाद में, तो एक हमारे भैया थे नमन शर्मा भैया, उन्होंने मुझे बुलाया। मतलब पहले मैं खेल नहीं रहा था, तो सुबह सुबह एक प्लेयर इंजर्ड हो गया था, तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि भाई तू मैच खेलने आ। फाइनल मैच था वो टूर्नामेंट का, बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं था लेकिन उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ा था। और हमारा मैच था ONGC से, और वो टीवी पे लाइव भी आ रहा था, तो उसमें उस टाइम के सब बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे। अवाना भैया थे, और एक सैंडी भी आए हैं वो थे, मिथुन मन्हास भैया थे, सब खेल रहे थे, गगन खोड़ा भैया खेल रहे थे। उस मैच में मैंने 6 विकेट ली, 5 बोल्ड किए, 1 LB किया। और उसके बाद से लोग मुझे जानने लगे थे, लोकल मतलब दिल्ली NCR में, कि कोई लड़का खेलता है सुबोध नाम का। फिर वहाँ से मैं सोनेट गया, फिर तो सब ठीक होता, फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप सब ठीक होता गया। फिर 1-2 साल में रणजी खेल गया, वहाँ से सब ठीक हो। तो मुझे लगता है कि वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, उस मैच के बाद से सब कुछ बदल गया। मतलब वो आपका जो है एक लाइफ चेंजिंग मैच था। हाँ जी, मतलब कि छोटा सा मैच था, बट वहाँ से लोगों का नज़रिया बदल गया देखने का, कि पहले लोग कैसे वेट करते थे, उसके बाद कैसे वेट करने लगे, वो बदल गया। तो सुबोध भाई, उस मैच के बाद फिर आपका रणजी में डेब्यू कब हुआ फिर? मैं भैया टीम में आया था 2015-14 में, 14-15 में, और मेरा डेब्यू हुआ था 2015 में अगेंस्ट उड़ीसा। तो मतलब आप 1 साल में रणजी खेल गए फिर? नहीं, मुझे उसके बाद 2-3 साल लगे, वो बात है 2011-12 की। ये मैं उसके बाद 3 साल स्ट्रगल रहा, फिर मैं सोनेट के लिए खेला, फिर सब चलता गया, और सारे दिल्ली के टूर्नामेंट्स थे, उसमें बॉलर बेस्ट बॉलर बना, रन बनाता था, तो सब अच्छा चलता गया। मतलब उस मैच के बाद सब फ्लो में आया, लोगों को पता चला, मैं अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स खेलने लगा, दिल्ली में खेलने लगा, तो ऐसे ही मैं टीम में आ गया। तो सुबोध भाई, अगर रणजी की मैं बात करूं तो आप क्रिकेट में मतलब क्या ज्यादा पसंद करते हैं, बॉलिंग या बैटिंग? देखो, पसंद तो मैं बैटिंग करता हूँ, है ना, हूँ मैं बॉलर, तो मतलब मैं एक बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, बट मेरे को बैटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। बाकी ऐसा है कि जितने भी बॉलर्स हैं सबको बैटिंग करना बहुत पसंद है, आती कम होती है, तो शायद इसलिए एक थोड़ी एक्साइटमेंट भी होती है कि एक्साइटमेंट हम होती भी है। हाँ जी, बैटिंग करें। हाँ जी।
तो आप अपने आप को टीम में मतलब कैसे देखते हैं, एज ए ऑलराउंडर और एज ए बॉलर? मैं एज अ ऑलराउंडर देखता हूँ, बॉलिंग ऑलराउंडर, और मेरे को बहुत चांसेस भी मिले हैं ऊपर खेलने के लिए। मेरे को जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मेरे को डायरेक्ट 3 नंबर बैटिंग करवाते थे, थोड़ा चला नहीं, बट अभी मैं अच्छा कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरी बैटिंग नीचे आती है, मेरी बैटिंग ऑलराउंडर की जगह ही आती है और मेरे को एज अ ऑलराउंडर ही सिलेक्ट करते हैं। तो रणजी में आपके सबसे अच्छे स्टेट्स क्या रहे हैं एज ए बॉलर और एज ए बैट्समैन? एज अ बॉलर, अगर जो T20 की बात की जाए तो T20 में एक मैच था हमारा आसाम से, तो उस मैच में मैं शायद, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है बट वो शायद नेशनल रिकॉर्ड हो सकता था। मेरे स्टैट्स थे 9 रन पे 4 विकेट, बट उसमें एक कैच छूट गया था तो वो स्टैट्स हो जाते 2 रन पे 5 विकेट, 2 रन पे 5 दो रन पे विकेट पाँच विकेट हो सकते थे बट वो 9 पे 4 रह गए। और वनडेज में है मेरा 24 for 5 अगेंस्ट सौराष्ट्र, और डेज क्रिकेट में है मेरा 41 कुछ पे 5। और अगर हम एज ए बैट्समैन बात करें तो एज अ बैट्समैन है मेरा डेज क्रिकेट में है 62 कुछ, और एक मैं वनडेज में है 42 कुछ, और T20 में शायद 30, 26, 30 नॉट आउट। तो सुबोध भाई, ये तो आपके रणजी के रिकॉर्ड्स हो गए। इसके अलावा भी आप काफी क्रिकेट खेलते हो, काफी चैंपियनशिप, काफी टूर्नामेंट्स, घरेलू क्रिकेट काफी खेलते, तो उनमें आपके क्या रिकॉर्ड रहा है? मैं गोवा में एक मैच खेल रहा था, वो था मथुरा फार्म्स करके एक टीम थी, लीग मैच था, उसमें मैंने 57 बॉल पे 207 रन बनाए थे। 21 एक मिनट, 207 रन हाँ जी, T20 में? T20 में, और मैं 15 तो वन आउट भी हो गया था। और 15 ओवर में अगर आप 20 तक रुकते तो पता नहीं क्या होता, मतलब लिटरली 207 रन। 207 रन्स मैं खेल रहा था डेम्पो से, और सामने वाली टीम थी मथुरा फार्म्स। जहां तक मुझे पता है ये रिकॉर्ड T20 में तो आई गेस इंटरनेशनल के किसी भी फॉर्मेट में किसी भी खिलाड़ी का नहीं है आई गेस। ये शायद थोड़ा ठीक भी हुआ था, मतलब जब चला था तो काफ़ी जगह आया था न्यूज़ में भी, और बट इतना कुछ फ़ायदा हुआ नहीं इसका। लेकिन ये अपने आप में एक, मैं तो बोलूंगा एक बेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है बोल सकते हैं T20 में 207 रन, वो भी 57 बॉल्स पे, और वो भी जब आप एज ए बॉलर खेलते हैं, हाँ जी, मैं ओपन मतलब कर रहा था बस। आप फुल टाइम बैट्समैन नहीं है, तब आपने ये रिकॉर्ड बनाया है। एक्चुअली मैं क्या होता है कि जब मैं लोकल क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं ओपन करता हूँ, मेरे को बैटिंग का इतना शौक है, मैं भूल गया था मुझे ओपन करनी है, तो उस मैच में मैं ओपन कर रहा था, और फिर उसमें मैच में मैंने 21 सिक्सेस किए और 13 फोर्स। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा इस रिकॉर्ड के लिए। थैंक यू। और सुबोध भाई, और मैं जानना चाहूंगा कि अभी आप जो है दिल्ली की तरफ से रणजी खेलते हैं, तो आगे का आपका जो है नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट गोल क्या है आपका? देखो भैया, जितने भी लोग क्रिकेट खेलते हैं या खेलना स्टार्ट करते हैं, सबका लाइफ टाइम गोल एक ही होता है कि एक दिन कंट्री के लिए खेलना है। मेरा भी अभी वो गोल जिंदा है, तो मैं भी कोशिश क्या मेहनत कर रहा हूँ कि एक दिन इंडिया के लिए खेलूँ। अभी जो नेक्स्ट सीज़न आएगा, लुकिंग फॉरवर्ड। सुबोध भाई, जैसे आजकल आप देखते होंगे आईपीएल जो है काफी ज्यादा क्रेज पे है, कि हर कोई प्लेयर जो है वो इंडिया तो खेलना चाहता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी चाहता है कि वो आईपीएल भी खेले। तो आपने, आपकी कोई कभी ऐसी स्ट्रेटेजी रही है या आपका मन हो आईपीएल खेलने का कुछ? देखो भैया, मन तो किसका नहीं होता, मन तो सबका होता है आईपीएल खेलने का, बट मुझे लगता है कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मेरे हाथ में नहीं है आईपीएल खेलना, मेरा काम है परफॉर्मेंस करना। सब बोलते हैं कि रणजी ट्रॉफी से लोग आईपीएल खेलते हैं, जैसा मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है रणजी ट्रॉफी, और मैं 2 बार इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुका हूँ। लास्ट ईयर भी मैं T20 में सेकेंड हाईएस्ट था, लीग स्टेज में हाईएस्ट था, और मुझे अब तक कॉल नहीं हुई। मैं कई बार टीमों के साथ रहा हूँ, अभी भी राजस्थान रॉयल्स के साथ था, बट मुझे अब तक कॉल नहीं हुई। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि आईपीएल खेलना बहुत ज़रूरी है या कुछ है। आपका काम है कि आपको जो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे हो वहाँ पे परफॉर्म करना। सुबोध भाई, एक चीज़ और मैंने नोट की है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले रणजी की परफॉर्मेंस के बेस पे इंडियन क्रिकेट टीम में जो सिलेक्शन होता था, लेकिन आजकल जो मैं देख रहा हूँ वो आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेस पे जो है इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो रहा है। तो मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो कितनी सही है, आपका क्या कहना है इस स्टेटमेंट पे? बहुत हद तक सही है कहा, क्योंकि रणजी ट्रॉफी अब हाईलाइट ही नहीं होती है। आईपीएल में इतना पैसा इन्वॉल्व है, इतना सब कुछ इन्वॉल्व है, और रणजी ट्रॉफी अब
जो लाइम लाइट है वो चली गई है रणजी ट्रॉफी से, सब सारी लाइम लाइट आईपीएल पे है, तो ऑब्वियसली बात है सिलेक्शन भी वहीं से ही होते हैं, बट स्टिल रणजी ट्रॉफी है जो मेन है वो तो वही है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो रांची है, तो हमारा काम है वहाँ पे परफॉर्म करना, बाकी तो सब ऊपर वाला देख लेगा जो है। तो सुबोध भाई ये तो हुई क्रिकेट से रिलेटेड बातें, आपकी जर्नी अब तक की कैसी रही, क्या आपकी अचीवमेंट्स रही, अपना कुछ थोड़ा एंटरटेनिंग करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, तो रेडी है आप? कुछ उल्टा जर्नी का आने वाले में नहीं, नहीं उल्टा सीधा कुछ नहीं होगा, बहुत इजी चीजें होंगी, और ये जो अगला राउंड है ये थोड़ा देसी राउंड है, जो हमारी देसी लैंग्वेज है उसी से रिलेटेड है, तो रेडी है आप? बिल्कुल। तो इस राउंड में हम क्या करेंगे, हम आपको देंगे एक बॉलीवुड का डायलॉग, उस डायलॉग को आपको देसी में बोलना है, देसी में कन्वर्ट करना है, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, प्लस साथ ही उसमें आपको क्रिकेट वाला टच भी देना है। बिल्कुल। तो आपका डायलॉग है शूट आउट एट वडाला मूवी का, मनिया सूर्वे का। तो आपका डायलॉग कुछ इस तरह से है कि कहा था ना मैंने जिस दिन मारूंगा घर में घुस के मारूंगा छाती पे मारूंगा, तो इस डायलॉग को आपको देसी अंदाज में और थोड़ा क्रिकेट वाला फ्लेवर डाल के बोलना है। काफी आसान दिया है आपने। बहुत आसान है, ट्राई था। हाँ हाँ मैंने कही नहीं तोसू, जिस दिन जा दिन मारूंगा तो है ठीक से मारूंगा और छह छक्का मारूंगा। अब बताइए सामने। मतलब मुझे लगता है आपको वही वाला मैच याद आ गया जिसमें आपने 207 रन बनाए थे, कुछ ऐसा ही समझ लो। चलो काफी अच्छा अंदाज था आपका, तो आप मैच में भी बोला करो ऐसे, मजा आएगा। नहीं नहीं ठीक है, अपना अपना नेचर है। तो सुबोध भाई अब बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड की तरफ, ये जो हमारा राउंड है ये है टंग ट्विस्टर राउंड। टंग ट्विस्टर तो आपने सुने होंगे। बिल्कुल सुने। तो इसमें हम आपको देंगे एक टंग ट्विस्टर और उसको आपको जल्दी जल्दी 5 से 7 बार बोलना है। 5 से 7 बार? हाँ जी, मैं सोच रहा हूँ पहली बार कैसे। तो रेडी है आप? कोशिश है। ओके, तो आपका टंग ट्विस्टर है कि चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। ये सब चाचा के चबूतरे पे क्यों हो रहा है? कोशिश करता हूँ। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से दबा डाला। चबा डाला। चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे, कोशिश है, चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चबा डाला। ठीक है, इतना हो गया है। चोंच तो आप खाए गए बीच में से, चोंच चली गई क्या? चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। मतलब पूरा फोकस आपका चोंच पे ही था इस बार। इस बार पूरा फोकस चोंच पे, चोंच नहीं जानी चाहिए। चलो काफी अच्छा था ये राउंड आपके साथ, तो अभी बढ़ते हैं हम अपने अगले राउंड की तरफ। ये राउंड ना थोड़ा हटके है, थोड़ा डिफरेंट है, इसका जो नाम है वो भी एकदम डिफरेंट है। तो जो हमारा राउंड है उसका नाम है टैलेंट का टोकरा। भाई मुझ में कोई टैलेंट नहीं है खेलने के सिवा। बहुत सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे, एक बाउल होगा, उस बाउल में कुछ चिप्स हम डालेंगे, उसमें अलग अलग चीजें रखी होंगी। तो अब आपकी किस्मत के ऊपर है कि आप कौन सी चिट पिक करते हो और उस चिट में जो भी लिखा होगा वो आपको करना होगा। कोई ऐसी चिट भी इसमें लिखा है कुछ नहीं करना? नहीं, ऐसी कोई भी नहीं है। मैं सो सकता हूँ बहुत देर तक। सो रेडी है? नहीं, लेकिन फिर भी करना तो है ही। तो सुबोध भाई ये है हमारा टैलेंट का टोकरा, एक चिट निकालिए और देखते हैं आपके नसीब में क्या है। ये ठीक है। क्वाड़ी चेट। ये तो मैंने बचपन में बहुत सुनी है। क्या हुआ आपने? किया तो नहीं हुआ है। किया तो नहीं हुआ है, बट सुनी बहुत है, घर के बाहर बहुत जाते थे। तो शुरू हो जाओ फिर, थोड़ा हमें भी सुनाओ कुछ। कुछ है बेचने के लिए? हाँ बहुत कुछ है, चलो देखते हैं। कबाड़ी वाले, कॉपी किताब की रद्दी वाले। बस इतना ही है भाई। आप ना ये खोल सकते हो दुकान। मैं सोच रहा हूँ क्रिकेट के बाद यही स्टार्ट कर दूं। आजकल जो मैंने सुना ना कबाड़ में बहुत पैसा है। सुबोध भाई अब मैं चाहूंगा कि जो आपके जो सपोर्टर है, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, आप उनसे कुछ दो लाइन कहे, उनसे कुछ कहे, या फिर जो हमारी जो नए यूथ है जो क्रिकेट में अपना
जो भविष्य देखते हैं उनको कुछ टिप्स वगैरह आप कुछ देते हो? मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि भाइयों, मतलब जो करो दिल से करो, मेहनत करो और भरोसा रखो कि आप मेहनत करो तो इसका फल आपको जरूर मिलेगा। और आदमी ना अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता हमेशा। आप किसी से कितना भी कुछ बोलो, आपको खुद को पता है कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो अपने आप से लॉयल रहो और आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। ऊपर वाला किसी का कुछ नहीं रखता। अब मैं चाहूंगा कि आप दो लाइन ना हमारे देसी कल्चर के बारे में भी बोले। वैसे तो डायलॉग से आपको पता चल ही गया है कि सब कुछ। और बाकी पहला तो ये बता देते कि सब लोग पूछते हैं कि आप गुजर हो। भाई गुजर किससे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। आपको बेकार में माहौल बनाया हुआ है कि हम लड़ते झगड़ते हैं। कोई नहीं लड़ता झगड़ता, मैंने अब तक किसी को नहीं देखा बेवसूल की लड़ता हुआ किसी को। और हम लोग एक साथ रहते हैं, थोड़ा हम में थोड़ी यूनिटी ज़्यादा है। और ना थोड़ा हमारा जो टोन है वो थोड़ा ऐसा है कि सबको लगता है कि ये लड़ रहे हैं, जबकि हम लड़ते नहीं हैं, वो पोलाइट ही बात करते हैं। और बाकी तो सब ठीक है, हमारे बंदे अपने हैं सब बिंदास। तो थैंक यू सो मच सुबोध भाई हमारे शो पे आने के लिए, अपने कीमती समय में से हमें समय देने के लिए। थैंक यू भैया। सो जो भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहा है और उन्हें कुछ सुबोध भाई से अगर कुछ पूछना है, कुछ टिप्स लेनी है, तो इनके जो सोशल मीडिया के जो हैंडल्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से इनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं, इनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, टिप्स ले सकते हैं। ये वहाँ पे है और आपके जो मैसेजेस हैं उनका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, और अपना जो फीडबैक है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वही हमें बेहतर बनाने में मदद करेगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच सुबोध भाई अपना टाइम। थैंक यू भाई। थैंक यू भैया।